हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं। इतिहास में लास्ट लेक्चर में बात की थी ब्रिटिशकालीन समितियों के बारे में। आज बात करेंगे हम लोग इसमें आपकी क्रांतिकारियों पर हुए जो मुकदमे उन्हें देखेंगे, साथ में हम लोग भूमिकर व्यवस्था को भी देख लेंगे और भारत में शिक्षा आयोग जो रहे हैं उन्हें भी देख लेंगे। ठीक है, तो क्रांतिकारियों पर हुए मुकदमे, पहला है आपका अलीपुर या मानिक तल्ला षड्यंत्र केस। अलीपुर या मानिक तल्ला षड्यंत्र केस, ये हुआ आपका 1908 में। अरविंद घोष सहित कई व्यक्तियों पर चलाया गया था ये मुकदमा आपका। फिर दूसरा है आपका नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र कब हुआ? 1909 से 1910। ये आपका विनायक सावरकर को निर्वासन, अन्य 26 को कारावास हुआ था इसके तहत, नासिक षड्यंत्र केस के तहत। फिर आपका हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हुआ है। जतिन मुखर्जी मुख्य अभियुक्त थे इसके, हावड़ा षड्यंत्र के। ढाका षड्यंत्र केस 1910 में हुआ। पुलिन दास को 7 वर्ष की सजा हुई थी ढाका षड्यंत्र केस के तहत। दिल्ली षड्यंत्र केस 1915 में हुआ ये। मास्टर अमीर चंद और अवध बिहारी तथा एवं बाल मुकुंद को फांसी हुई थी इसके तहत, दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत। फिर हुआ आपका बनारस षड्यंत्र 1915-16 में। सचेंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कालापानी हुआ था बनारस षड्यंत्र केस के तहत। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ ये। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। फिर हुआ आपका लाहौर षड्यंत्र केस 1929 से 1930 तक। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित 19 लोगों को फांसी हुई थी इसके तहत। ठीक है, तो ये आपको मुकदमे देखना है, उनकी डेट याद रखना है और किससे संबंधित है उन्हें भी आपको याद रखना है। बस यही 3 पॉइंट पूछे जाएंगे इसमें। जैसे पूछ लेगा कि लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित था, तो आपको बता देना है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित 19 लोगों को फांसी हुई थी इसके तहत। 1929-30 में ये हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस। अब बात करते हैं हम लोग भूमि भूमि कर जो व्यवस्था थी उसके बारे में। भू राजस्व प्रणाली, कुल भूमि का प्रतिशत कितना लेते थे, लागू किए गए क्षेत्र हैं आपके और विशेष उनके बारे में प्रमुख जो तथ्य है वो भी है। तो पहली हमारी इस्तमरारी बंदोबस्त, ये 19% था। ये आपका जिस क्षेत्र में लागू किया गया था वे थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस के जिले में ये आपकी कर व्यवस्था या भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी। 1793 में बिहार बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। फिर आपकी दूसरी महलवारी बंदोबस्त, ये आपकी 30% थी। ये जहाँ लागू की गई थी उनमें शामिल थे गंगा का दुआब, पश्चिमोत्तर प्रांत, मध्य भारत के कुछ भाग और पंजाब। जमींदारी प्रथा का ही ये संशोधित रूप था ये। ठीक है, फिर थी आपकी रेतवाड़ी बंदोबस्त, 51% थी। ये आपकी मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में लागू की गई थी। रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा प्रस्ताव किया गया था इसका। बात करते हैं भारत में शिक्षा आयोग। भारत में शिक्षा आयोग, ये आयोग है और ये वर्ष हो गया, जेम्स टॉमसन प्लान 1843 में आया। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में आया। सेडलर आयोग आपका 1917-19 में आया। सर्जेंट योजना 1944 में आई। कुठारी शिक्षा आयोग 1964-65 में आया। बोर्ड का डिस्पैच यह 1854 में आया था। रिले आयोग ये 1902 में। हार्टोक समिति 1929 में। वर्धा रोजगार वर्धा योजना 1937। राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में आया। ठीक है, इनकी डेटें याद रखना क्योंकि पूछ लेता है कई बार। 1855 में जन अनुदेश विभाग
तथा 1857 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिससे विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। 1916 से 1922 के बीच मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, उस्मानिया विश्वविद्यालय खोले गए थे। ठीक है, बात करेंगे आगे हम लोग भारत के जो महान स्वाधीनता सेनानी थे उनके बारे में।